अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपके लिए मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेकर आई हूँ। तो जो कंपनी है उसका नाम है जेड, ठीक है। ये आप इसको इजीली कहीं से भी जो है जाके देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ दिस कंपनी? बेसिकली दिस कंपनी इज़ फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और इनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, हम उसे टेस्ट करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। इस प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो ये है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, बहुत अफोर्डेबल होते हैं। और इनके प्रोडक्ट पे मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, मोस्टली इनका सनब्लॉक जो कि ये है। इनका सनब्लॉक मैंने ऑर्डर किया था SPF 50, एंड इट इज़ सपोज टू हैव ऑल द हेलरॉनिक एसिड एंड मैटिफाइंग लुक। सो मैंने सोचा था कि मैं इसे एक ट्राई दूंगी, बिकॉज मैं भी यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हूँ तो मुझे सनब्लॉक की बहुत नीड होती है, और सनब्लॉक जो है वो एक बेसिक नीड है आपकी अगर आप घर से बाहर जाते हो रोज़ाना। और इसकी प्राइस अराउंड 400 समथिंग मुझे पड़ा था, और अभी इनका वुमेंस डे ऑफ भी चल रहा है, तो अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 400 समथिंग का पड़ेगा, अदरवाइज इट वाज अराउंड 600। क्वांटिटी इसकी इतनी है, आई गेस 80 ml इट वाज, एंड मैं आपको थोड़ा सा स्वेच करके दिखा देती हूँ कि हाउ वाज दिस बाय द टेक्सचर। सो टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ था, इग्नोर माय कैट फ्रॉम बिहाइंड। अच्छा, इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ था, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया था ये, जैसा आप देख ही सकते हो। और इसके ऊपर आप अपना फिर मेकअप वगैरह जो भी है वो कर लो। और नॉर्मली जो सनब्लॉक हम लगाते हैं उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है घबराहट फील होती है या हैवी फील होती है, लेकिन ये बहुत लाइट सनब्लॉक था और इससे मेरी स्किन को जो है बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी नहीं किया था, बिल्कुल लाइट वेट मेरी स्किन थी। और इसके ऊपर मैं अपना मेकअप भी अप्लाई कर लेती हूँ ईजीली, क्योंकि मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट करूँगी दैट इट इज़ गुड फॉर टीनएजर्स या अगर आप घर से बाहर जाते हैं। सेकंड प्रोडक्ट मैंने इनका जो ऑर्डर किया था वो था जेड स्किन ग्लो ब्राइटनिंग क्रीम, और इट इज़ सपोज टू क्लेम दैट, इन लोग का क्लेम ये है कि यह आपकी स्किन को नरिश करके उसको ब्राइटन कर देता है विद इन 2 to 3 weeks। सो इट्स बिन लाइक 2 to 3 days मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, और मेरी स्किन जो है, इसके टेक्सचर के बारे में बात करें तो इसका टेक्सचर लगाने के बाद आपकी स्किन पे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आप पूरा लगा भी नहीं सकोगे और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। प्लास्टिक कंटेनर में ये है, और 80 ml ये था इसकी क्वांटिटी। एंड आई वुड से कि अगर आप लोग की स्किन ड्राई है तो आप लोग ये यूज़ ना करें, बल्कि इनकी नाइट क्रीम एक और अवेलेबल है इनके पेज पर, आप वो यूज़ करें। इंस्टाग्राम पर भी ये लोग अवेलेबल हैं, और आप गूगल से भी इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बिकॉज उनका अगर फ़ायदा नहीं होता है तो उनका कोई नुकसान भी नहीं होता है। ओके, सो टेक्सचर वाइज इट वॉज नॉट दैट बैड, बट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होके ड्राई हो गई थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा जो है ये चीज़ कंसर्न कर रही थी, क्योंकि ड्राई स्किन वाले जो लोग हैं वो ये यूज़ ना करें। लेकिन इनकी नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा नरिशिंग थी, मैंने वहाँ पे क्लैम फेस्ट से मैंने ऑर्डर करा था, तो वहाँ पे मैंने जब उन्होंने मुझे स्वेच करके दिखाया था हाथ पे, तो इनकी नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा वर्किंग थी और बहुत ज़्यादा नरिशिंग थी। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जैसे कोई कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं या फिर स्कूल गोइंग लड़कियाँ हैं। मॉइस्चराइज़र की जगह आप इसे यूज़ कर सकते हो, इट्स रियली गुड। और इनके पास बहुत सारे अमाउंट ऑफ वैरायटी मौजूद है, जिसमें फेस वॉशेज हैं और स्किन टोनर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप जाते हो तो इनके वेबसाइट पर जाओ और जाके ऑर्डर करो, या इंस्टाग्राम से, एंड इट इज़ नॉट इन स्पॉन्सर्ड वीडियो, सो प्लीज़ गाइज गो एंड प्लीज़ टेल मी योर फीडबैक, हाउ डिड यू लाइक द प्रोडक्ट्स, एंड टेल मी कि मैं अगले प्रोडक्ट का रिव्यू कौन सा करूँ। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, सी यू।